नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील मान ली है। मतदान प्रतिशत के आंकड़े से संबंधित फॉर्म 17C चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं होगा। फॉर्म 17C मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए इसकी विस्तृत जानकारी देता है। चुनाव आयोग मतदान के कई दिन बाद सिर्फ मत प्रतिशत बढ़ाने की जानकारी दे रहा है, जबकि आयोग को संख्या में जानकारी देना चाहिए, मसलन कितने पुरुष कितनी महिलाओं ने वोट डाले अथवा नहीं। मतदान के अंतिम आंकड़े 48 घंटे में जारी करने की मांग को लेकर मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान को 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान को 4 दिन बाद फाइनल आंकड़ा अपलोड किया गया था। देर से मतदान के आंकड़े देने पर चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे थे। आयोग की ओर से पेश वकील अमित शर्मा ने कोर्ट से कहा, डेटा को सभी स्तरों पर जांचने की जरूरत होती है और इसमें समय लगता है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ मिसमैच ना हो। इस बीच आज छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों के लिए मतदान हो गया। छठे चरण के साथ देश की कुल 486 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। छठे चरण में 5 बजे तक 57.7% मतदान दर्ज किया गया है, जो 2019 की अपेक्षा कम है। पश्चिम बंगाल में इस चरण में भी सबसे ज्यादा मतदान की खबर है, वहीं दिल्ली में सबसे कम मतदान हुआ है। अनंतनाग में 1 सीट के लिए वोट डाले गए। पिछली बार इस सीट पर महज 9% वोट पड़े थे, इस बार यहां मत प्रतिशत 51 रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने फेयर चुनाव ना होने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। ये तो आपने हर जगह किया, पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हर जगह हमारे लोग बंद है इस वक्त। ये क्या वजह है? तो मैं तो इधर बैठ जाऊंगी, मैं तो रास्ता बंद कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, आपने क्यों बंद कर दिया हमारे लोगों को? अजीब तमाशा, यहाँ भी बंद, दयालगांव में बंद, अनंतनाग में बंद, सिर्फ पीढ़ी अशमका में बंद, हर जगह पीडीपी के लोग बंद है। आप बोलते भी नहीं है कुछ, आप बताइए ना, आप तो जिम्मेवार पुलिस अफसर हैं। ये कौन है? एलजी के डायरेक्शन है, वो यही करने के लिए यहाँ आया है क्या? कश्मीर में ये 87 रिपीट करना चाहते हैं? सीधे बोलना था मुझे कि महबूबा मुफ्ती आप इलेक्शन मत लड़ो, मैं नहीं लड़ती। अगर आपने इतना कुछ करना है यहाँ के सारा सिस्टम ही बर्बाद करना है, तो सीधे कहना चाहिए था इलेक्शन मत लड़ो, मैं नहीं लड़ती। ये क्या करने की जरूरत थी आपको? मुझे पहले बोलना चाहिए था एलजी साहब ने कि हमने यहाँ इलेक्शन नहीं होने देना, आपको पार्लियामेंट नहीं पहुंचना है। मैं बैठ जाती, मैं लोगों को बिचारों को, इनको खामा खामे इनकी जान जोखिम में ही नहीं डालती। इनका क्या कसूर है? ये महबूबा मुफ्ती के एजेंट है, इसलिए फिर क्यों बंद है? आप तो कह रहे हैं फुरकान साहब, मगर बंद क्यों है फिर हमारे लड़के? मुझे भी बंद कर दो, अंदर थाने में मुझे भी बंद कर दो, अच्छा है, दैट विल बी मच बेटर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हुई। शेष राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोग वोट डालने में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्या प्रचंड गर्मी की मार कम मतदान का कारण है, या अब मतदाता वोट देना जरूरी ही नहीं समझ रहा है? 18वीं लोकसभा का अब एक ही चरण मतदान के लिए शेष है। आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे, 4 जून को परिणाम आएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में जो गिरावट देखी गई वो छठे चरण तक जारी रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने बार बार मतदान प्रतिशत में संशोधन करके मतदान के 11 दिन बाद आंकड़ा बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फिर भी संशोधित मतदान प्रतिशत 2014 और 2019 के मतदान प्रतिशत से कम ही रहा है। इस बीच विपक्ष चुनाव आयोग पर सुनवाई ना करने का आरोप भी लगाता रहा। चुनाव आयोग ने इस चुनाव में कम से कम 80% मतदान का लक्ष्य तय किया था। सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक स्तर पर भी मतदाता जागरूकता का ढोल पीटा गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। 1952 के पहले आम चुनाव में बड़ी संख्या में अपढ़ और अधपढ़ लोग जनप्रतिनिधि चुने गए थे, वोट डालने वाले भी अशिक्षित थे। स्वतंत्रता के अमृत काल में सूचना महाविस्फोट और जनसंचार क्रांति के दौर में अधिकांश मतदाता पढ़े लिखे और देश दुनिया के जानकार हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी
मतदान प्रतिशत में गिरावट क्यों हो रही है? कम मतदान का कारण कहीं जनता का व्यवस्था से मोहभंग और सत्ता से नाराजगी तो नहीं? जो भी हो, यह गंभीर मसला है जिसका समाधान खोजना लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। देखा जाए तो अब अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर लोग साधन संपन्न व पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा ज्यादा वोट कर रहे हैं। 1950 में जब जनप्रतिनिधित्व कानून लागू किया जा रहा था, तब मतदान अनिवार्य करने के विकल्प पर व्यापक चर्चा की जा रही थी। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनिवार्य मतदान की सिफारिश की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया। 2004, 2009, 2012 और 2014 में निजी विधेयक अनिवार्य मतदान के लिए संसद में पेश किया गया, जो कभी पास नहीं हो पाया। 2009 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य मतदान को अमानवीय कहते हुए याचिका खारिज कर दी। अब नए सिरे से इस मसले पर बहस शुरू हो गई है। इधर देश सातवें चरण की ओर बढ़ रहा है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।